बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोगों ने अपना यूनिट 4 स्टार्ट करना है, जिसमें पेज नंबर हमारा 22 आ रहा है। इस पेज पे हमें एक पोइम दी गई है फ़न विद वर्ड्स, के हमने कुछ वर्ड्स को इधर उधर करके अपनी एक पोइम पढ़ी है, जिसके बाद हमने कुछ वर्ड्स उससे सीखे हैं जिसको हम रेन वर्ड्स कहते हैं। अब एक्टिविटी टाइम में हम देख लेते हैं कि इसमें हम से बेसिकली पूछा क्या गया है। एक्टिविटी में है, पार्ट ए है, रीड द पोइम एंड सर्कल द वर्ड्स दैट रीम विद मैट नाइट मी एंड सिट। ठीक है, अब ये वो वर्ड्स हैं जो हमें इस पोइम में दिए गए हैं। ठीक है, अब इस पोइम को हमने रीड करना है और अपने इन वर्ड्स को सर्कल करना है। अब रीम वर्ड्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम हो। जब हम इस वर्ड को बोलें तो उनकी जो साउंडिंग है एक वर्ड की दूसरे से कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो ये होते हैं हमारे राइम वर्ड्स। अब इनके बाद हमारे पास सबसे पहले है मैट। मैट का हमारा आ जाएगा एक रैट, एक आ जाएगा हमारे पास मैट, कैट। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हो गए हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास नाइट। नाइट का हमारा आएगा लाइट, और इसके बाद बाइट। ठीक है, ये तीन वर्ड्स इसके आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है मी। अब हमने मी को देखना है कि इससे इंटरकनेक्टेड वर्ड्स हमें कौन से मिलते हैं इस चीज़ में। तो मी के साथ हमारा एक ट्री बन जाएगा, एक और वर्ड बनेगा इसमें हमारा द टाइनी सा सिट विद मी, लेट मी गिव यू अ पैट। अच्छा, एक वर्ड जो हमने ये बनाया था ऊपर मैट रैट कैट, उसके साथ एक वर्ड ये भी बन रहा है, पैट भी बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास मी का कोई वर्ड नहीं बन रहा। मी के साथ हम थ्री भी कर सकते हैं, थ्री को भी ले सकते हैं कि इसकी जो वर्ड्स हैं, जो एंडिंग वर्ड्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं हमें। उसके बाद है हमारे पास सिट। सिट का भी हमारे पास आ सकता है बिट, और इसमें आ सकता है हमारे पास विंटर टाइनी लाइट सेट द कैट। तो ये इतने ही वर्ड्स बन रहे हैं इनके, जितने मैंने आपको एक वर्ड के एक बने, इसका एक वर्ड बना है, इसके दो बने हैं, नाइट के मैट के इनके तीन तीन वर्ड्स बने हैं। तो आपने ये एक्सरसाइज इस तरह सॉल्व करनी है जो हमारा पार्ट ए है। अब हमारा जो पार्ट बी है, वर्किंग इन पेयर्स, राइट योर ऑन रेमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलू। अब ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनके लिए भी हमने अपने रेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हों। अब जैसे मैट का हो जाएगा रैट सैट टैप लैप। ठीक है, अब लाइट का हो जाएगा ब्राइट साइट, और एक हो जाएगा डिलाइट। इसकी ये तीन वर्ड्स हो गए। मी का होगा सी ट्री थ्री, इसके ये तीन वर्ड्स हो गए। अब बिट का बनाना है हमने, बिट का भी इसी तरह ही सिट लिट एंड पिट, बिट बल्कि बी आई टी बिट। तो ये पेज नंबर 22 एंड यूनिट 4, ये आज का आपका लेसन है। इस एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस करें, ऊपर जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं जिनको सर्कल किया है ये भी याद करें, पार्ट ए और पार्ट बी। आज का आपका ये लेसन है, इसको अच्छे से लर्न करें।